हेलो एवरीवन टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द लेसन प्लान ऑफ क्लास एट सब्जेक्ट साइंस चैप्टर लाइट एंड उसके अंदर हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत हो रही है ड्यू टू कोविड नाइन्टीन तो उस टाइम पे हम मल्टीमीडिया का यूज़ करके कैसे ऑनलाइन क्लास को अच्छे से कंडक्ट करा सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है एक मल्टीमीडिया लेसन प्लान प्रिपेयर करना होता है तो मैं आज इसी टॉपिक पे आपको एक लेसन प्लान दिखाऊंगी मल्टीमीडिया का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कैसे वो लेसन प्लान बनेगा इसके बारे में सब आपको पता चल जाएगा सो so, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वही डेट डालेंगे आप फिर जो ब्रीफ और व्यू करेंगे कि इस चैप्टर के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे लाइक इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इमेजेस हाउ वी आर एबल टू सी द थिंग्स थ्रू आर आईज एंड रेयल सिस्टम बहुत सारी चीज़ें ये सब हम जानेंगे फिर हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट मैप पे यानी कि इसका जो चैप्टर है जो लाइट है उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं वो सारे हम इससे पढ़ सकते हैं जैसे कि एयरफाइज इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से लाइट से रिलेट करते हैं कैलाइडोस्कोप पेरिस्कोप ऑब्जेक्ट्स कौन से रिलेट करते हैं फिनोमिना रिलेटेड कौन कौन से फिनोमिना रिलेट करते हैं स्पोर्ट जैसे ब्लाइंड स्पॉट येलो स्पॉट वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में डिस्पर्जन के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है तो वो सब हमें कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू पहले ही देख लेंगे कि हाँ लाइट से रिलेट करके मैक्सिमम इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने एट्थ क्लास के लेवल तक यह पूरा कॉन्सेप्ट मैप अच्छे से बना हुआ है तो इसके आगे बात करें वही हम लिखेंगे कितने टाइम का हमारा सेशन है ट्वेंटी फाइव मिनट्स कौन सा टॉपिक है कौन सी क्लास है क्या सब टॉपिक है जो मेन पढ़ाएंगे ये होगा रिफ्लेक्शन उसके अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फिर हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इंस्ट्रक्शनल और बिहेवियर और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं तो सिर्फ इंस्ट्रक्शनल यहाँ पर लिखे हुए हैं लाइक जिसमें हम ये सोचते हैं कि जब भी हम ये लैसन प्लान डिलीवर करेंगे उसके बाद स्टूडेंट कितने एबल हो जाएंगे तो ये अलग अलग डोमेन में हमने लिखा है लाइक कोगनेटिव डोमेन में रिमैम्बरिंग में है रिकॉल द टर्म रिफ्लेक्शन अंडरस्टैंडिंग में है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन और एप्लीकेशन के भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं जैसे नेम डिफरेंट टर्म एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन क्लासि द टू लोज ऑफ रिफ्लेक्शन ये सब आगे अफेक्टिव डोमेन को ले हमने लेकेशन किया हुआ है लाइक रिलेट द कॉन्सेप्ट से क्रिएटिंग को लेके बनाया है आइडेंटिफाई डिफरेंट टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन या आप अपने नॉर्मल लेसन प्लान से भी यह टर्म्स यूज कर सकते हैं आगे जो भी हम टीचिंग मैथड यहाँ पे यूज करेंगे तो जैसे हम इंक्वायरी मैथड यूज करेंगे ये मेथड जिसमें क्या है कि हम कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे बच्चे उसका आंसर देंगे तो इससे क्या है कि हम रिकॉल कराएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीवियस नॉलेज अबाउट लाइट एंड रिफ्लेक्शन जो भी स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज रही होगी उसको हम यहाँ पे निकाल के मतलब क्वेश्चंस के थ्रू निकालेंगे फिर दूसरा हम लेक्चर चु अकम डिमोन्स्ट्रेशन यूज़ करेंगे हम अपने प्रेजेंटेशन को दिखाएंगे जो भी कुछ दिखाएंगे फिर साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए हम लेक्चर चो अकम डिमोस्ट्रेशन मैथड को यूज़ करते हैं। फिर हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड यूज होगा जिसमें हम रियल लाइफ डिमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू वीडियोज़ वीडियोज के थ्रू वीडियोज़ का भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने मल्टी में तो यहाँ पे क्या है कि कौन से जैसे हम टी यूज़ करते थे नॉर्मल लेसन प्लान में तो यहाँ पे कौन से मल्टीपीडिया मटीरियल्स हम यूज़ करेंगे तो जैसे पहले हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे सभी पीपीटी से ही पढ़ाते हैं मैक्सिमम लोग फिर वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड पिक्चर्स फ्रॉम गूगल ये सब चीज़ हम यूज़ करेंगे इसके बाद हमारा आता है माइंड मैप कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे कैसे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो पहले रिकॉल द टर्म रिफ्लेक्शन उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट को फिर नेम डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्शन जैसे कि इंसिडेंट रे हुआ रिफ्लेक्टेड रे हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन ये सब के बारे में बताएंगे फिर हम आएंगे क्लासीफाई द टू लोज ऑफ रिफ्लेक्शन लोज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे फिर क्या करेंगे हम रिलेट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन विद डेली लाइफ ये हमारा आएगा फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा आइडेंटिफाई डिफरेंट टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन ये हम एक ही लेसन प्लान के अंदर कवर करेंगे अब बात करें तो किस तरीके से ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग ट्रांजेक्शन कैसे होगा किस तरह से हम पढ़ाएंगे अपने टॉपिक को जैसे हमारे लेसन प्लान में होता है प्रेजेंटेशन तो वही हम बात करें तो इसके अंदर आप टेबल बनाएंगे एक तरफ होगा टीचिंग पॉइंट फिर मल्टीमीडिया जो मटेरियल है क्या क्या यूज़ किया वो लिखेंगे फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फिर रेशोनेल फॉर द यूज ऑफ मल्टीमीडिया कि हमने मल्टीमीडिया को किस परपज से यूज़ किया है उसका क्या बेनिफिट्स है ऐसा कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे विद टाइम मैनेजमेंट कितने टाइम का कितना कितना क्या क्या, क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो जैसे इंट्रोड्यूसिंग द प्रीवियस नॉलेज में यहाँ पे देखिए ये पिक्चर हमने यूज़ की है जिसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और पेपल टीचर यही क्वेश्चन उनसे पूछेगा लाइक हाउ डू वी सी थिंग्स कैन यू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क रूम हाउ कैन यू एबल टू सी योर सेफ इन द मिरर ये चीज़ें जहाँ यहाँ पे लिखी हुई है वो यहीं पे है तो कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहेंगे तो ये अप्रोच इंक्वायरी अप्रोच हमारी रहेगी और इंक्वायरी स्किल्स का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक टीचिंग स्किल में इंक्वायरी स्किल का यूज कर रहे हैं फिर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक टॉपिक को अनाउंस करना तो ये हमारी पीपीटी की स्लाइड हमने लगा दी है इसमें पी जो टीचर है वो जो पीपल टीचर है वो किस तरीके से पढ़ाएगा दैट दैट फाइंडिंग सम ऑफ द स्टूडेंट लिटिल बिट वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट नो पीटी विल से टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन जो पीपल टीचर है वो अनाउंस करेगा टॉपिक को तो इसमें क्या है ये जो पिक है हमने क्यों यूज़ की इसका क्या बेनिफिट है क्या रेशोनल है तो इससे क्या है कि पीटी यानी कि पीपल टीचर शोज द डेली लाइफ एग्जाम्पल्स इन दि फॉर्म ऑफ पिक्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इस रीजन से हमने ये पिक्स यूज किया है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल यूज होगी बच्चे पिक्चर को देख के कुछ अपना बनाएंगे आइडिया फिर हमारा आता है एक्सप्लोरिंग जिसमें इस तरह की हमारी इमेज होगी इसमें क्या है एक वीडियो है ये ये इमेज नहीं है कि एक वीडियो है ऑन ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इसको जो है वो पिपल टीजर शो करेगा स्टूडेंट को इन विच रिफ्लेक्शन थ्रो द प्लेन मिररर अगर ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन थ्रो प्लेन मिररर होगा तो इससे क्या है वीडियो क्यों यूज की गई है वीडियो यूज फॉर द प्रोपर डिमोस्ट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रो प्लेन मिरर प्लेन मिरर के थ्रू कैसे रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए यूज़ किया और यहाँ पे हमने साइंटिफिक स्किल्स का यूज़ किया है आगे बात करें तो इससे इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम कैसे बताएंगे तो ये इमेज हम अपनी पी में लगाएंगे और पी क्या करेगा यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा स्टूडेंट को अबाउट वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्शन एंड देन विल डिफाइन ईच बेनोफिट विद द हेल्प ऑफ इमेज इमेज किया फिर उनको डिफाइन करेगा तो इसमें क्या है इसका क्यों यूज़ किया गया है ताकि स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लैक्शन प्रोसेस जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस है उसमें अलग अलग टर्म्स आती है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल उन सबको वो समझ पाए यहाँ पे भी साइंटिफिक स्किल का यूज़ किया गया है आगे हम बात करें इसी में कंटिन्यू हमारी में चलती रहेगी जो प्यूपल टीचर है वो क्वेश्चन भी पूछता रहेगा साथ साथ में चीज़ें दिखाता भी रहेगा ऑब्जर्वेशन स्किल होगी साथ, साथ में बच्चे देखेंगे और यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन स्किल दोनों में ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज़ होगा और एक्सप्लेनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया तो इमेज पिपल टीचर ने दिखाई और कुछ स्टेटमेंट दिए साथ साथ फिर ये इमेज का क्या बेनिफिट था क्या रेशन था इस मल्टीमीडिया को यूज़ करने का तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पीपीटी स्लाइड यूजिंग डायग्राम्स एंड पिक्चर्स ये थ्री मिनट्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा जो हम ये समझाना है हमें उसके बाद क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन तो इसके लिए हमने एग्जाम इस तरीके की स्लाइड यूज़ की है और जो प्यूपल टीचर है वो एक वीडियो दिखाएगा अबाउट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स ऑन लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन ये एग्जाम फेयर की यहाँ पे वीडियो दिखाई जाएगी तो वीडियो क्यों यूज़ की है वीडियो यूज़ की है फॉर द प्रोपर डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मीटर और ये सिक्स मिनट में कंप्लीट हो जाएगा हमारा उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन रिकैप्चुलेशन क्या होता है कि हमने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका एक रीकैप रिकैप लेना बच्चों से ही या एक क्या बोलते हैं पूरा समराइज़ uh, कर देना उस टॉपिक को तो रिकैप्सुलेशन के लिए हमने इस तरह टर्म्स लिख ली क्योंकि यही हमने बच्चों को पढ़ाई है और डायग्राम दे दिया तो यहाँ पर क्या है जो प्यूपल टीचर है वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो ये यहाँ पे इमेजेस से रिलेटेड फॉर द रिकैप्चुलेशन ऑफ द टॉपिक ताकि टॉपिक का रिकैपचुलेशन हो बच्चे आंसर दे पूरा एक समरी मिल जाए और ये ऑनलाइन डायग्राम्स आर यूज फॉर रिकेपचुलेसन प्रोसेस ये डायग्राम हमने रिकेपुलेशन प्रोसेस के लिए ही यूज़ किया है टू मिनट में हमारे यहाँ पे रिकेपचुलेन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या है एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग यानी कि होमवर्क कि हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड कर रहे हैं आउटसाइड द क्लासरूम इसके अंदर क्या है कि हम एक वर्कशीट देंगे बच्चों को इसी टॉपिक से रिलेटेड ये लिंक होगी वर्कशीट की और इसको शेयर कर देंगे ताकि बच्चे इससे कर पाए तो पीटी विल शेयर ए लिंक ऑफ द ऑनलाइन वर्कशीट और ये वन मिनट का वर्क होगा इस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग यानी कि हमने होमवर्क भी दे दिया यहाँ पे तो नॉर्मल हमने रेफरेंसेज लिखे हैं कि कौन सी एनसीईआरटी की बुक से चीज़ें ली हैं चैप्टर सिक्सटीन लाइट है और ये यूट्यूब की लिंक्स हैं तो ये यहाँ पे लास्ट में रेफरेंसेस तो चाहे आप ऐड कर सकते हैं चाहे नहीं आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसी भी टॉपिक का मल्टी लेसन प्लान हम कैसे बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको और लेसन प्लान्स की वीडियोज़ चाहिए तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग